लेकिन जो राम थे वो नीतीश कुमार के साजिश में आ कर के किए और कोई क्लब बना करके इनके लूटा काट लेने का। अगर मिल नहीं जाए, ये परिस्थिति है जो दलितों का, गरीबों का, युवाओं का, किसानों की बात जो करेगा उसको अगर सही रूप से उसको मिलना होगा। चिराग पासवान जी तो कहते थे कि मैं तो हनुमान हूँ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राम के पास हनुमान क्यों जाएगा। सही कहा, क्योंकि राम दरबार का आप फोटो देखिएगा तो हनुमान सत्ता के भागीदार नहीं होते हैं, राम के वो सत्ता में सेवक के रूप में जाते हैं। और यही शो किया जाता है उस मनुवादी के लोगों के द्वारा कि हनुमान सिर्फ सेवक रहेगा, दलित सेवक का काम करेगा। तो चिराग पासवान ने जिस दिन अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, युवाओं की बात उठाने का काम किया, उनको लगा ये सेवक नहीं है, ये हनुमान बन करके किए और ये सेवक बने तो इनको एक क्लब बना के इनके अंगूठा को काट लेने का काम। इनको भ्रम रहा कि हम हनुमान हैं। उस बच्चे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। राजनीति का पाठ पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और राजनीति का ककड़ा पढ़। दलितों के प्रति जो घृणा, दलितों की बात करने वाले लोगों के साथ अत्याचार, वो दर्शाता है कि उनको तोड़ कर करके मनोबल को तोड़ने की साजिश की गई। लेकिन मैं जानता हूँ चिराग पासवान जी के साथ एक मजबूत पिता के पुत्र हैं जो दलितों की लड़ाई बराबर लड़े। उन्होंने देखा है बचपन से ही अपने पिता के उन कामों को है आपको कि आप किनके साथ। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान जी, जनता उनके साथ है। एमपी चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान अकेला भी है तो जो उनके अनुयायी है या उनका जो वोटर है वो उनके साथ है, मजबूती के साथ उनके साथ, पूरे मजबूती के साथ। जैसे पशुपति कुमार पारस जी, उनको किसी तरह छल प्रपंच कर करके उनको तोड़ने की साजिश की जाएगी और उसी के शिकार श्री चिराग पासवान हुए। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ राजद के कदावर नेता श्याम रजक जी मौजूद हैं, दलित राजनीति के पुरोधा हैं। अब बात करें तो बिहार में दलित राजनीति के बड़े योद्धा के रूप में रामविलास पासवान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जाने जाते थे। उन्होंने सींच करके एक पार्टी का निर्माण किया था और उनके जाने के महज 6 से 7 महीने के बाद इस प्रकार की बिहार में राजनीतिक घटना देखने को मिल रही है। किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए, कोई नई बात नहीं है, न कोई आश्चर्यजनक बात है। इस देश के इतिहास में दलित जब जब उठा है तो उसके खिलाफ एक बड़ी शक्ति, संख्या के बल में छोटी लेकिन शक्ति बड़ी, वो दलितों के लड़ाई को ख़त्म करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए कई तरह के प्रपंच रचती है। रामविलास जी के साथ भी हुआ, मायावती जी के साथ हुआ, जगजीवन राम जी के साथ हुआ, जो भी दलित नेता हुए या दलितों के प्रति जो बात उठाने वाले हुए, सबके साथ इस तरह के अन्याय अत्याचार होता रहा। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी जितनी घटनाओं का आप देखेंगे कि कैसे उनको बंबई से हराया गया, कैसे वो जब बंगाल से जीत करके आए तो बंगाल के उस ज़मीन को जो हिंदू बाहुल था उसके बावजूद उसको पाकिस्तान को दे कर करके इनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। तो कई तरह के उनके साथ राजनीतिक अत्याचार हुए, उसी तरह से जो भी लोग हुए रामविलास जी के साथ भी वही अत्याचार हुआ है। देख रहे हैं सीधे तौर पर रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी लीड कर रहे थे, इसके बाद पशुपति कुमार पारस जी ने जो कुछ किया है वो तो छुपा हुआ नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो दलित की बात उठाएगा, जो नौजवान की बात उठाएगा, जो व्यवस्था के खिलाफ बात उठाएगा, वर्तमान व्यवस्था में जो अन्यायपूर्ण जो व्यवहार हो उसके खिलाफ उठाएगा, उसके साथ वही गति होगी। उनको किसी तरह छल प्रपंच कर करके उनको तोड़ने की साजिश की जाएगी और उसी के शिकार श्री चिराग पासवान हुए हैं। मतलब लग रहा है आपको कि आप किनके साथ हैं? लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान जी, जनता उनके साथ है। एमपी चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग पासवान अकेला भी है तो जो उनके अनुयायी है या उनका जो वोटर है वो उनके साथ है, मजबूती के साथ उनके साथ, पूरे मजबूती के साथ खड़ा है। जैसे पशुपति कुमार पारस जी जिस हिसाब से गए हैं और सांसदों को लेकर के गए हैं,
बहुत तरह की बातें सामने आ रही है कि पर्दे के पीछे कोई और है, कुछ और तरह का राजनीतिक प्रलोभन दिया गया है। क्या लगता है आपको कि ये सब सही होता है? पशुपति कुमार पारस जी बेचारे हैं, उनको यूज किया जा रहा है, लोगों को वो नहीं ले गए, लोग ने उनको ले गए। और जो पर्दे के पीछे हैं वो तो साफ दिखाई दिया, जो एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ और जो उनके प्रशंसा में जो पोस्टर लगे, वो कौन लोग थे? वो जनता दल यू के नेता हैं। जो लोग गए उनके एग्जीक्यूटिव के मीटिंग में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC और नेता लोग गए, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दलितों के प्रति जो ईर्ष्या, दलितों के प्रति जो घृणा, दलितों की बात करने वाले लोगों के साथ अत्याचार, वो दर्शाता है कि उनको तोड़ कर करके मनोबल को तोड़ने की साजिश की गई। लेकिन मैं जानता हूँ कि चिराग पासवान जी के साथ एक मजबूत पिता के पुत्र हैं, जो दलितों की लड़ाई बराबर लड़े। उन्होंने देखा है बचपन से ही अपने पिता के उन कामों को, उस संघर्ष को, और उस संघर्ष के बुनियाद पर ये उसके एक बीज है। तो और लोग उनके साथ हैं, तो वो लड़ाई टूटने वाली नहीं है, वो लड़ाई को और बल मिलेगा। इसी तौर पे ये बात होता है, जैसे कि अभी आपने जदयू की बात कही, जदयू के नेता स्वागत में थे, नीतीश कुमार जी तो बात करते हैं कि वे दलितों के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यक वंचित। मुझे एक बात बता दीजिए कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? दलित आज भी उसी गाँव में, उसी दक्षिण के तरफ रह रहा है, न उनको पानी की सुविधा है, न उनको आवास की सुविधा है, जमीन के झगड़े के प्रपंच में कई तरह के अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, अन्याय होते हैं, हत्या होती है, नरसंहार होते हैं। क्या किया? अम्बेडकर छात्रावास, आप जा कर के किसी एक छात्रावास में जा कर के देखिए, कटिहार में, पूर्णिया में, भोजपुर में आप जाइए, देखिएगा कि क्या बेहाल हाल है, किस तरह से लड़के को मीनू आपने तो योजना बना दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि संविधान को पालन करने वाले लोगों की अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो ये संविधान का सही सदुपयोग नहीं होगा। और वही हो रहा है। नीतीश कुमार जी तो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, दलित उद्यमी योजना, पैसा उसमें कहाँ है? आप बता रहे हैं कि दलितों को हम दे रहे हैं आवास, आवास कहाँ है? दलितों को दे रहे हैं छात्रावास, वो छात्रावास कहाँ है? दलितों को हम UPSC में, हम या BPSC में जो फर्स्ट जो प्रीमरी एग्जामिनेशन में पास करेंगे उनको हम पैसा देंगे, पैसा कहाँ है? और अब तो UPSC में लिटरल एंट्री शुरू हो गया है, तो निजीकरण हो गया है। सरकारी स्कूल की जो दुर्दशा है, जहाँ दलित के बच्चे जाते हैं, उसको MDM में क्या मिलता है? पोशाक योजना, साइकिल योजना, लेकिन जो नामांकन होता है, ये नामांकन पर बड़ा अपना दम भरते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने पीठ अपने खुद थपथपाते हैं। जरा पता करिए कि ड्रॉप आउट कितना प्रतिशत है। जो बच्चे का नामांकन हुआ उसमें 10% ही बच्चे रह जाते हैं मैक्सिमम, 90% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सर, सांसद चंदन सिंह जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो है, चिराग पासवान के संदर्भ में कहा था उन्होंने, महागठबंधन तो पहले से ही एक ख्याली पुलाव पका रही है कि लालू यादव जी प्रधानमंत्री बन जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। उस बच्चे के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। राजनीति का पाठ पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, और राजनीति का ककड़ा पढ़ लें। MP हो जाने से सब कुछ नहीं होता है, मेरी सहानुभूति है उससे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जी को राजनीति का ककड़ा नहीं आता। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े बाप के, बड़े आदमी के भाई बन जाने से वो सब कुछ नहीं जान जाते हैं। राजनीत जमीन पर, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो MP हैं जहाँ से, वहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, एक बार भी वो उसका आँख को आंसू पोछने के लिए भी गए? यहाँ तक कि जो लोगों ने अत्याचार किया उसका प्रोत्साहित ही करने का काम किए, उनसे कहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं? वो बात करते हैं, करें, वो अपने मुहिम में लगे हुए हैं। मेरी शुभकामना है कि अपने मुहिम में वो अपना सुख सुविधा भोगते रहें। बिहार का राजनीतिक दौर बदल रहा है, अब लग रहा है कि जिस तरह से एक और महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, लग रहा है कि ये युवा अगर मिल जाए, चिराग पासवान जी अगर मिल नहीं जाए जी, ये परिस्थिति है जो दलितों का, गरीबों का, युवाओं का, किसानों की बात जो करेगा उसको अगर सही रूप से, तो उनको मिलना होगा। चिराग पासवान जी तो कहते थे कि मैं तो हनुमान हूँ,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राम के पास हनुमान क्यों जाएगा। सही कहा, क्योंकि राम दरबार का फोटो देखिएगा तो हनुमान सत्ता के भागीदार नहीं होते हैं, राम के वो सत्ता में सेवक के रूप में जाते हैं। और यही शो किया जाता है उस मनुवादी के लोगों के द्वारा कि हनुमान सिर्फ सेवक रहेगा, दलित सेवक का काम करेगा। तो चिराग पासवान ने जिस दिन अपनी आवाज़ उठाने का काम किया, युवाओं की बात उठाने का काम किया, उनको लगा कि ये सेवक नहीं है, ये हनुमान बन कर करके, और ये सेवक बने तो इनको एकलव बना के इनके अंगूठा को काट लेने का काम करो। तो इनको भ्रम रहा कि हम हनुमान हैं, लेकिन जो राम थे वो नीतीश कुमार के साजिश में आ कर करके और इनको एकलव बना करके इनके अंगूठा काट लेने का काम किया। अब देखिए बड़ी बात कर रहे हैं श्याम रजक जी, सीधे तौर पे कह रहे हैं जो अपने आप को हनुमान कहते हैं, और राम को इस बात का डर हो गया कि सत्ता पर कहीं ना कहीं काबिज ना हो जाए, इस बात को लेकर के उन्होंने एकलव्य बनाने का काम कर दिया। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट ले ले, इसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होता है। जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।